दोस्तों Realme ने आज अपने न्यू स्मार्टफोन Realme C55 को लॉन्च कर दिया है जो कि आपको इंडियन मार्केट में भी बहुत जल्द दिखाई देने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ इसी स्मार्टफोन के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन हमें कब तक देखने को मिलेगा, आएगा तो उसकी क्या कुछ प्राइस पॉइंट हो सकती है। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूँ Realme C55 से रिगार्डिंग, तो बस वीडियो में तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। गाइस लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। So, दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Realme C55 के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो यहां पे जो आपको 6.72 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जहां पे जो आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा दिया गया है। सामने की तरफ जो आपको पंचोली शेयरिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसको कि आप यहां पे करोगे तो यहां पे मिनी कैप्सूल बन जाएगा, जब भी नीड होगी वहां पे वो जो है बैटरी स्टेटस आपको शो करेगा, जहां पे आप अपना डाटा वगैरह देख सकते हैं। जी हां, यहां पे जिसको कि Realme बोलता है मिनी कैप्सूल, बट हां ये डायनेमिक आइलैंड सभी जानते हैं। एंड यहां पर जो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी लगा कर दिया गया है। बैक की तरफ जो है प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का। 5000mAh की बैटरी है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। यहाँ पे आपको 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। एंड अब हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek की तरफ से Helio G88 चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 4G मॉडम को सपोर्ट करता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक 4G चिपसेट बन जाता है, तो 4G फोन है, 5G फोन ये नहीं है। एंड यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। 3.5mm जैक भी है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये स्मार्टफोन जो आपको Realme Y4 प्रिंट करेगा, जो कि आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात निकल कर आती है। तो ये रही कुछ एस्पेक्ट्स की कहानी यहाँ पे Realme C55 की। एंड हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आप NFC लिखा हुआ देख रहे हैं, ये NFC जो है ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च करा गया है, इंडियन मार्केट में जब आएगा तो NFC आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड दोस्तों अब बात करें हम यहाँ पे इसके प्राइसिंग के बारे में, तो देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया में तो ये दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया, बट मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बेस वेरिएंट करें बात करूंगा, जो कि निकल करता है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं प्राइसिंग को तो ये बनकर आता है यहाँ पे तकरीबन 13,500 रुपए। अब इंडियन मार्केट में भी आपको यही सब कुछ प्राइस देखने को मिलेगी, 12,000 हो जाए, 13,000 हो जाए, 13,500 हो जाए, यही सब मतलब 12.5 और 13.5 के बीच में आपको भटकते हुए दिखाई देगी, 13 के आसपास आपको प्राइसिंग जो है भटकते हुए दिखाई देगी इंडियन मार्केट में भी। और इंडिया लॉन्च करें बात करें तो हो सकता है कि Realme जो इस स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में इसी मंथ में लेकर आ सकती है, या फिर थोड़ा डिले करेगी तो अगले महीने में देखने को मिल जाएगा इंडियन मार्केट में। बट मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है कि इसी महीने में जो है इंडियन मार्केट में Realme लेकर आ सकती है स्मार्टफोन को। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Realme C55 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। Have a great day and always keep smiling. Bye-bye.